हमारी जिंदगी में चुनाव के लिए विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। हम अंधेरे के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे संसार को रोशनी भी दे सकते हैं। चुनाव सदैव हमारा होता है। आप समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। इस बात को एक कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बूढ़ा किसान अपने शिकारी कुत्ते के साथ एक बागीचे में बैठा था। वो शिकारी कुत्ता बैठा बैठा कहर रहा था। एक अजनबी वहां से गुजरा और उसने किसान से पूछा, ये कुत्ता इतना कहर क्यों रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहा है? बूढ़े किसान ने कहा, क्योंकि यह कील पर बैठा है जो इसे चुभ रही है। अजनबी ने पूछा, तो फिर ये उठता क्यों नहीं? किसान ने कहा, क्योंकि अभी इसे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, यह तब तक वहाँ बैठा रहेगा जब तक कि इसे होने वाला दर्द इसकी सहनशीलता से ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसी तरह हमारे जीवन में अधिकतर लोग परिस्थितियों से परेशान होते हैं, लगातार उन परिस्थितियों के बारे में शिकायतें भी करते रहते हैं पर कोई एक्शन नहीं लेते, तब तक जब तक कि हमारी सहनशीलता जवाब ना दे दे। समस्याओं के लिए विकल्प हमेशा हमारे पास ही होते हैं, जैसे उस शिकारी कुत्ते के पास था कि वह उठकर जा सकता था। चुनाव सदैव हमारा होता है। हर समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। एक घुड़सवार बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा था। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने पूछा, अरे भाई, इतनी तेजी से घोड़े को कहाँ भगा ले जा रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अजी, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इसे? इस घोड़े से ही पूछो यह मुझे कहाँ ले जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही दिशाहीन होता है हम में से अधिकतरों का जीवन। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें अपने आप को खरीदना होगा, आत्म साक्षात्मक करना होगा, खुद को टटोलना होगा और तय करना होगा अपने जीवन का ब्लूप्रिंट, जिसमें होगी हमारी सेहत, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे जीवन मूल्य। तभी हमारा जीवन खुशहाल और सफल होगा। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हमारे अंदर दो भेड़िए हैं। हम जीवन में जो चुनते हैं इसका निर्णय होता है। इन्हीं दो भेड़ियों के बीच युद्ध के बाद भेड़िया क्रोध, हिंसा, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, दया, सुरक्षा, करुणा जैसे भावनाओं का। इन पर पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, तो फिर जीतता कौन सा भेड़िया है? दादाजी ने जवाब दिया, वही भेड़िया जिसे तुम पोषित करते हो। सही बात है दोस्तों, यह हमी पर निर्भर करता है कि हम किस भेड़िया को जिताएंगे, हमारे भीतर के सद्गुरु वाले भेड़िए को या फिर दुर्गुण वाले भेड़िए को। चुनाव हमारा होता है, पूरी तरह से हमारा, कि हम किस भेड़िए को खुराक देते हैं। सच्ची तो कहा है किसी ने कि जैसे सिंचाई करने वाला पानी को अपनी मनचाही जगह पर ले जा सकता है, जिस तरह धनु धीर तीर को सीधा बनाता है और जिस तरह बड़ई लकड़ी सहरता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को आकार देता है। अपने मन को आकार दो, सही आकार दो, सही भेड़िए को पोषित करो। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।